नमस्कार, आप देख रहे हैं काउकाउ न्यूज और मैं हूं आपके साथ अवंतिका गिरी। आज नागरिक एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शमीम खान ने अपनी पार्टी की नीतियों और देश के विकास के मुद्दों को सामने लेकर आए। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी आगामी चुनाव में 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह है कि नागरिक एकता पार्टी आई है, सड़कों पर संघर्ष करेगी, मजदूरों के लिए लड़ेगी, मजबूरों के लिए लड़ेगी, किसानों के लिए लड़ेगी और जो बंटवारे की राजनीति हो रही है उसको ख़त्म करेगी। सबसे पहला मेरा मकसद है कि बंटवारे की राजनीति नहीं होना चाहिए, जो बंटवारे की राजनीति हो रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। और इसके क्या उद्देश्य हैं गरीबों के लिए? गरीबों के लिए उद्देश्य ये है कि जो भी सत्ता में आज आता है, आज सत्ता चार बार सपा सत्ता में आई है, चार पांच बार बसपा सत्ता में आई है, इन लोगों ने गरीबों के लिए क्या किया है वो आपके सामने है। तो मेरा मकसद एक ही है कि गरीब जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, अमीर है जो और अमीर होता जा रहा है, तो गरीबों के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। गरीबों की आवाज़ बनना है, गरीबों को हक दिलाना है और गरीबों के लिए संघर्ष करना है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी इन मुद्दों को खत्म कर पाएगी और जनता के हित के लिए काम करेगी? बिल्कुल, मुद्दे खत्म होंगे, ये यूथ खत्म करेंगे, आज के नौजवान खत्म करेंगे, जो ये बंटवारे की राजनीति है वो नौजवान खत्म करेंगे। आने वाले 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम लोग। किन मुद्दों पर पार्टी काम करेगी? मैं मुद्दे ही मुद्दे हैं यार, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, डीजल पेट्रोल किस हालत में है आपको आपको पता है। अगर आज की तारीख में किसानों को डीजल जो शहर के रेट में डीजल किसानों को खरीदना पड़ रहा है, उसमें कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम किसानों का डीजल का रेट अलग होना चाहिए, किसानों की एक ऐसी सुविधा दिया जाना चाहिए, किसानों को लिए डीजल अलग से होना चाहिए। आप उनसे जो टैक्स आप कॉरपोरेट घराने से ले रहे हैं वही टैक्स आप डीजल का किसानों से भी ले रहे हैं, तो वो अलग होना चाहिए। आज किसान बुरा हाल है, किसानों का अपने खेत नहीं सींच सकता है, जनरेट मोटर नहीं चला सकता अपने, किसानों को इस किसानों का कर्जा माफ करने की नौबत ना आए, उनको आप इस लेवल पे ले आइए, उनको डीजल पेट्रोल आप आधे रेट पे दीजिए, सब्सिडी रेट पे डीजल पेट्रोल दीजिए, फर्टिलाइजर उनको सब्सिडी रेट पे दीजिए, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने किसान बर्बाद हो गई है, बिल्कुल मुआवजा बिल्कुल मिलना चाहिए, वो चीज अलग, वो बिल्कुल मिलना चाहिए। किसानों के नाम से बहुत हो गया, जो सरकार बड़े होटल में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन किसानों के लिए जो मूल सुविधा आप डीजल की जो बात आप करते हैं, जो सबमर्सिबल गांव में लगा होता है सरकारी, उसका हाफ रेट लेती है सरकार, उसमें उसका पैसा वहन करना पड़ता है, आप उसके लिए डीजल अलग से दो। आप पहला तो आपको किसानों का जो 3 बीघे के किसान हैं, जिनको 3 बीघे खेती है, 3 बीघे से कम है, जिनका 3 बीघे तक है, उनका सिंचाई का बिल बिल्कुल माफ होना चाहिए, सिंचाई का आधा है, माफ होना चाहिए, आधा नहीं माफ होना चाहिए। फिलहाल काउकाउ न्यूज में इतना ही। डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमें दें इजाजत, नमस्कार।